काफी ज्यादा मूवीज और ड्रामास में देखा होगा कि एक बॉटल होती है और बॉटल में से जिन निकलता है। तो आज हम आपको यही दिखाएंगे कि आखिर उसके पीछे का क्या राज होता है। तो इसके लिए हमारे पास मौजूद है ये बॉटल, साथ में मौजूद है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम एक टिश्यू पेपर में कुछ बंद कर लेंगे और एक थ्रेड की मदद से इसे थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक हैंग कर देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उस बॉटल में जिन प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं एक टिश्यू पेपर में थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड भर लेता हूँ और इसको हैंग करने के लिए बांध देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ ये टिश्यू पेपर है और किस तरीके से इसके साथ धागा बांध दिया है। कुछ ऊपर से हम इसको ऐसे लटका सकते हैं। इसके बाद मैं इसे साइड में रख देता हूँ। मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को सिलिंज में फिल कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, आप देख सकते हैं। काफ़ी मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड फिल कर दी है और अब मैं इसे इस बॉटल में इस सिरिंज की मदद से डाल दूँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को जैसे डाल दिए। इसके बाद मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से इसमें लटका दूंगा कि ये गिरे ना, देख सकते हैं। और अब मैं जब इस बोतल को ओपन करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। आप देख सकते हैं इस बोतल में धुआं निकलते हुए, देख सकते हैं आप। सबने देखा कि किस तरीके से वो फिल्म्स और ड्रामास में इस तरीके से एक बोतल से धुआं निकालते हैं और फिर उसमें से जिन निकलता है। क्योंकि हमारी बोतल का साइज बहुत छोटा था, इस वजह से इसके अंदर से बबलिंग्स भी आपको नज़र आई। लेकिन अगर मेरे पास बड़ी बोतल होती तो आप देखते कि सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर आती, सिर्फ धुआँ बाहर आता और आप ये लिक्विड, ये बबलिंग्स आपको नज़र ना आते। चलिए मैं आपको इसके पीछे की केमिस्ट्री बता देता हूँ। मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही नीचे जो है सप्लीमेंट्स के तौर पर मैगनीज हाइड्राइड्स वगैरह बना लेते हैं। और जो फ्यूम्स आपने बाहर देखे, जो इसमें से बाहर निकल रहे थे कुछ ऊपर की डायरेक्शन में, वो धुआँ वो ऑक्सीजन गैस थी असल में, और ये था ऑक्सीजन गैस को बनाने का भी तरीका और वही जीनी बॉटल को बनाने का तरीका।